खबर फटाफट में आपका स्वागत है, मैं आपके साथ अर्चना। आंध्र प्रदेश ट्रेन एक्सीडेंट में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 13, 50 यात्री घायल। 5 कोस रेल ड्राइव के सिग्नल ओवरशूट करने से टकराई 2 ट्रेन। एमपी में हेट क्राइम के शिकार हुए लोग कहाँ है, जय श्री राम बुलवाया तो गाँव छूटा, लव जिहाद के आरोप में इंदौर छुड़वाया। इजरायली सेना ने गाजा में अपना झंडा फहराया, सुरंगों से निकले हमास लड़ाकों से भिड़ंत, टॉर्च लेकर अपनों के शव ढूंढ रहे हैं फिलिस्तीनी। वर्ल्ड कप में इंडिया फिर नंबर 1, 6 जीत के बाद 12 पॉइंट, सेमीफाइनल का रास्ता साफ, इंग्लैंड की बड़ी मुश्किलें। केरल ब्लास्ट की जांच 20 सदस्य टीम करेगी, अब तक 3 की मौतें, 41 घायल, 5 की हालत गंभीर, सीएम ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर, मेहसाणा में 58,000 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज एससी फैसला सुनाएगा, दिल्ली शराब नीति मामलों में 241 दिन से जेल में बंद है आप नेता मनीष सिसोदिया। राघव चड्ढा सस्पेंशन केस में सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला सुनवाई, सचिवालय जवाब दाखिल करेगा, आप नेता पर दिल्ली सर्विस बिल पर 5 पर भी साइन कराने का आरोप। छात्रा से मोबाइल लूटने वाले एनकाउंटर में ढेर, गाजियाबाद में बीटेक छात्रों को ऑटो से घसीटने पर हुई मौत, 9 घंटे बाद पुलिस ने लुटेरे को मार गिराया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आज कर सकते हैं धमाके वाली जगह कलमसेरी का दौरा। मेरे साथ दर्शित नहीं, देखते रहिए एमजी मीडिया न्यूज।